हमारी कॉलेज लाइफ में हम काफ़ी गलतियां करते हैं और कुछ गलतियां हमारे जहन के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। उनसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं उन पे कि हमने क्यों कर दिया, या फिर कभी कभी हमें वो कुछ बहुत अलग सिखा देती हैं, या कभी कभी कुछ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस दे जाती हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली में तो, और वो गलती नहीं थी, वो एक्चुअली में बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ थी। तो ऐसी एक गलती मैंने की है मेरी कॉलेज लाइफ में जो लोगों के हिसाब से गलती थी उस टाइम पे भी आज भी, और यही मैं आज एक भ्रम तोड़ता हूँ। और आप भी ज़रूर करना है गलती अगर आपके बस में हो या आप कर पाओ, आप में गट्स हो तो मैं तो रेकमेंड करूँगा ज़रूर करना। इस गलती ने मुझे मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं, लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में और आगे भी, मैं अपनी लाइफ लॉन्ग ये गलती ज़रूर करना चाहूँगा। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर ये गलती तो मैं करना ही चाहूँगा। तो अब आप सोच रहे होगे वो ऐसी क्या गलती है, ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो गलती ये है कि नॉट मेकिंग द फ्रेंड्स फ्रॉम माई सेम ब्रांच। देखो होता क्या है ना, बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है बाद में और रिग्रेट भी करते हैं इस बात पे कि हमारे फ्रेंड्स का जो एक सर्कल था वो एक ही लिमिटेड होके रह गया, दायरा हमने कभी बढ़ाया ही नहीं। मतलब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं कभी कॉमर्स या आर्ट्स वालों के साथ रहा ही नहीं, और ये लोग है ना एक ईगो पे लेके चलते हैं चीज़ कि भाई मैं अब साइंस वाला हूँ या मैं कॉमर्स वाला हूँ तो मेरे अब फ्रेंड्स होंगे तो वो वही वाले होंगे। ये बहुत लोगों को मैंने गलती करते देखा है, तो इसीलिए मैंने कहा लोगों की नज़र में ये गलती लगती है उन्हें, पता नहीं, एक लगता है कि सिर्फ हमारे ही हमारे लोग हों। और जैसे कास्टिसिज्म होता है वैसे ही लोग इसमें करते हैं कि ब्रांच ओरिएंटेड इतना हो जाते हैं कि वो और दूसरी ब्रांच वालों को या तो निचली नज़र से देखते हैं या फिर ऐसे देखते हैं कि नहीं अब हम ही हैं सुपीरियर या हमारे ही जो लोग हैं वही हम उनमें ही खुश हैं उनमें ही रहेंगे। उससे होता क्या है ना, आप कभी इवॉल्व नहीं कर पाते कॉलेज लाइफ में अपनी और अटके रहते हो। अब ये चीज़ आपको पे कैसे करती है, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं पोइट्रीज करता हूँ, शायरी करता हूँ, अलग अलग चीज़ें करता हूँ, तो मेरे दोस्त मोस्टली, जैसे मैं साइंस से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं, मेरे हर टाइप के थे, मतलब कॉमर्स में भी, लॉ में भी, आर्ट्स में भी, हर जगह, बीबीए में सबसे ज़्यादा। तो ऐसा ये कनेक्शन निकला एकदम से। मैं पोइट्री करता था, जैसे चलो सुनाता हूँ कुछ, कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना उन पे एक लिखी थी मैंने कि कलाकार हूँ कलाकार ही रहने दो, कलाकार हूँ कलाकार ही रहने दो, गुमनाम हूँ गुमनाम ही रहने दो, तुम्हारी मुझसे हैं चाहते हैं तो कहीं उन्हें चाहते ही रहने दो, ये ज़िंदगी है मेरी इसे मेरी ही रहने दो। अब ऐसे ही मैं लिखता था काफ़ी चीज़ें, अभी भी लिखते हैं। तो उसका कोई इवेंट था, ठीक है, कॉलेज वगैरह में ही आसपास, उसने मुझे बोला ये तेरी पे है ये है और तू आराम से करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हालांकि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता था तो मैं कराया, ठीक है, और मैंने फ्री में ही कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की। आपके पास कोई टैलेंट हो आप ज़रूर कॉलेज में कर लेना पैसों के लिए, तो कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। या मैं यहाँ पे कोई वो नहीं दिखा रहा कि भाई मेरा कोई बड़प्पन है, नहीं, मुझे ये काम पैसों के लिए उतना पसंद नहीं है करने, क्योंकि शौक क्या पैसों के लिए करूँ मैं। तो ऐसे कॉन्टैक्ट कहाँ का कहाँ काम आता है आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपका यही है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि भाई जितना लंबा चौड़ा सर्कल होगा ना, मतलब सर्कल का ये नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड ही हो आप, अगर जानते पहचानते भी हो ना, हाय हेलो भी है, तो भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम आ जाता है। अब जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में चलो जानते हैं मुझे, लोग जानते हैं, तो उसका फ़ायदा ही मिलेगा ना, कि आपके जो नेटवर्किंग होगी वो बिल्डअप होगी, आपके तरह तरह के लोग होंगे, लॉ वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, होटल मैनेजमेंट वाले भी, तो कहीं ना कहीं कौन कब कैसे काम आ जाए आपको नहीं पता। तो ये मत करना गलती कि भाई अगर सिर्फ साइंस वाले हैं तो साइंस वालों में तुम बाहर ही नहीं निकलो उस सराउंडिंग से, एक कि भाई जो पीसीएम वाली 12th तक थी उससे भी तुम बाहर नहीं निकले, और फिर कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के ही होके रह गए, उससे कभी तुम बाहर ही नहीं निकले। तो जो दायरा होता है ना और जो एक्सप्लोर करता है आदमी वो बहुत कम रह जाता है, बहुत सीमित रह जाता है। और यही मैं समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जब आप एक आते हो ना, तो यूनिवर्सिटी में पर्पस यही होता है, यूनिवर्सिटी इसीलिए उसका नाम, कि आप प्रॉपर एक एक्सप्लोर करो, आपको पता चले कि आपके अलावा संसार में और क्या क्या है, कि होटल मैनेजमेंट के ऐसे बच्चे होते हैं, लॉ में ऐसे, वो टाई लगा के उन्हें जाना होता है,
इंजीनियरिंग आप खुद कर रहे हो तो भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, साइंस का तुम्हें पता ही है, और जैसे आर्ट्स में है तो ये क्या पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है भाई उनको कि तुम एक अलग नज़रों से देखो, इनकी तो कुछ पढ़ाई नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वालों को लोग देखते हैं कि भाई ये तो सिर्फ खेलते कूदते हैं, कुछ पढ़ना है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, हर ब्रांच की अपनी वैल्यू होती है, तभी उसको बनाया गया है। पढ़ाई हर जगह करनी पड़ती है आदमी को, ऐसा नहीं है एक जगह ही पढ़ाई करनी है, सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं साइंस वाले, बाकी दुनिया पढ़ ही नहीं रही। बहुत गलत थिंकिंग है ये, तो एक्सप्लोर करो। और यही है शॉर्ट में सीधा सा मैसेज, तो ये आप गलती ज़रूर करें, लोगों के हिसाब से गलती होती है, मैं तो नहीं मानता, तो आप ज़रूर करना कॉलेज में ये गलती, और जो भी गलती तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब ठीक है, समझ गए होगे आप। तो इसी के साथ आज की वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल, जिसको ये बात पसंद आई हो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है कर देना। और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी पिछले हफ्ते से, जो इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी पिछले हफ्ते से, अब थोड़ा सही हो गया हूँ मैं, तो अब से वीडियोज आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, शायद शक्ल या आँखों से आपको पता नहीं अभी लग रहा हो, अभी तो थोड़ा मैं चेहरा साफ करके बैठा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में। बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। यार आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखो, अभी बाहर वगैरह मत जाना, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, मैं खुद बता रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से अब जाके उठ पाया हूँ मैं, मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी, और बहुत अजीब अजीब सा ही लग रहा था, कैमरा भी फेस नहीं कर पा रहा था, पता नहीं मैंने कोशिश की बीच में एक दो बार, पर हुआ नहीं मेरे से, बहुत अलग जोन में ही चला गया मैं। तो आप भी है ना सेफ रहो अच्छे से, और घर वालों को, अपने को तो क्या है, अपने को हो जाए चलो कोई बात नहीं, घर वालों को हो जाए अपने से तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है ना, क्योंकि उनको हो गया तो यार उनकी एज में इम्यूनिटी भी कम होती है, तो समझ गए होगे आप बात। ठीक है, निकलते हैं, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, बाय।